एक और बड़ी खबर, विधायक मामन खान को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। दोपहर करीब 12 बजे नू अदालत में पेशी होगी। जिले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। मामन खान की नू हिंसा मामले में गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था। 2 दिन की रिमांड मांगी गई थी, आज फिर मामन खान को कोर्ट में पेश किया जाएगा। एक बार फिर से कोर्ट परिसर जो है वो छावनी में तब्दील, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मामन खान की नू हिंसा मामले में गिरफ्तारी हुई थी, 31 जुलाई को नू हिंसा देखने को मिला था, उसके बाद से ही लगातार गिरफ्तारियां हो रही है। इस पूरे मामले पर 500 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। मामन खान पर कई तरह के आरोप लगे हैं, कुछ वीडियो वायरल हुए थे उसके आधार पर गिरफ्तारी हुई है, कुछ लोगों के बयान के आधार पर भी गिरफ्तारी की गई है। तो मामन खान की नू हिंसा मामले में गिरफ्तारी हुई थी, आज फिर से कोर्ट में इन्हें पेश किया जाएगा। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, मामन खान की नू हिंसा मामले में गिरफ्तारी हुई थी और आज कोर्ट में मामन खान को पेश किया जाएगा, इस वक्त की बड़ी खबर। इससे पहले भी उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था। आपको ये भी बता दें कि 2 दिन की रिमांड ली गई थी। जिले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। यूनुस अलवी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। यूनुस, आज मामन खान को फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा, पूरी जानकारी इस खबर को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल, कि जिस तरीके से मामन खान को शुक्रवार को अदालत में पेश किया गया था, एक नगीना थाने में जो FIR नंबर 149149 जो थी उसमें गिरफ्तार करके पेश किया गया था और उनको 2 दिन के लिए यानी कि 48 घंटे के लिए जो रिमांड पर दिया गया था, तो आज जो है वो 48 घंटे जो पूरे हो रहे हैं और आज उनको नूह की अदालत में जो पेश किया जाएगा। वैसे शुक्रवार भी और आज भी जो है उनको फिरोजपुर झिरका की अदालत में पेश किया जाना था, क्योंकि लोकल अदालत में पेश किया जाता, लेकिन सुरक्षा के कारणों से ये CGM नूह की अदालत में उनको पेश किया गया था और क्या आज भी किया जाएगा। अब ये सारा मामला जरासर ये है कि अब रिमांड के दौरान, क्योंकि पुलिस ने तो अभी कोई डिस्क्लोज किया है, और जब अदालत के सामने जो है पुलिस से उनके रिमांड के दौरान क्या क्या बरामदगी हुई है, क्या क्या उन्होंने तथ्य सामने आए हैं और क्या बातें हैं, वो सारी चीजें आएंगी। लेकिन यहाँ आपको एक बात और जरूर बता देता हूँ, जो रिमांड पेपर जो जब रिमांड लिया था उस टाइम पूरी डिटेल दी जाती है कि हम किस मामले में रिमांड पे ले रहे हैं, क्या मामला था, तो जो 149 FIR नंबर है उसके साथ जो है 5 FIR और जोड़ी गई थी, यानी कि 134 और 137, 143, 146 और 136 ये FIR भी उस अंदर जोड़ी गई थी। तो इससे जो वकीलों का और का ये है कि अगर हो सकता है कि जो 149 के अलावा दूसरे FIR-ों में कहीं नामजद जो है ना कर दिया जाए, शक है वकीलों को भी इस बात से जो है, उनको वकील है, क्योंकि दूसरे FIR-ों का जोड़ने का कारण कोई ना कोई हो सकता है। अब ये तो राष्ट्रीय बड़ा खुलासा तभी हो पाएगा कि जो वो दोपहर को भी 12 के पास उनको पेश करने की बात कही जा रही है, तो 12 बजे आते हैं या 1 बजे आते हैं, क्योंकि आज छुट्टी है तो इसलिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट होता है, जो जज होता है उसके लिए उनको यहाँ पेश किया जाएगा, तो उसके बाद भी खुलासा हो पाएगा। ठीक है, नजर बनाए रखिएगा यूनुस, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए।